क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे, आज आपकी केमिस्ट्री क्लास में चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल में आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स के। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मेटल्स आर हार्ड इन शेप, जितने भी दुनिया में पाए जाने वाले मेटल्स होते हैं सब सॉलिड शेप में होते हैं। केवल आपके जो हाइड्राइड आयरन होता है Hg, जो हाइड्राइड आयरन जिसको Hg लिखते हैं, किस इसी को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं दुनिया में सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मेटल आर सोनरस, ऐसे मैंने आपको मेटल के डिफिनेशन में भी बताया होता है सोनरस क्या होता है। मेटल को पीटते हैं तो उसके अंदर एक साउंड, मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। इस धात्विक आवाज को हम लोग सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कहते हैं। मेटल आर मैलेबल, मैलेबल होता है यानी उसको पीट करके पत्थर हम बना सकते हैं। सोना का पत्थर होता है, चांदी का पत्थर होता है, उसी तरह से लोहे का भी होता है, यानी मेटल्स के हम लोग पत्थर बना सकते हैं। ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, घीच के तार बनाना। ठीक है, मेटल्स के तार बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं ऊपर मैंने बताया था मेटल्स होते हैं हार्ड। ठीक है, तो हार्ड होने से क्या होगा कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो गलना शुरू हो जाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट में गल जाएंगे और भाप बनेंगे, फौलते हुए भाप बनेंगे। ठीक है, फिर आपका 7 नंबर है मेटल आर लस्ट्रस। ठीक है, तो मेटल्स होते हैं उनमें स्पेशली मेटालिक शाइनिंग होती है, चमक होती है, इसके चलते मेटल पहचाने जाते हैं। तो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी कहलाती है, मेटल्स की चमक होती है, इसलिए उसको गहनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी है ठीक उसका उल्टा मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर होता है। लेकिन आगे वाले क्लासों में आप जानेंगे कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, वो सोनरस भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते हैं, बात समझ रहे हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, लेकिन अभी इस क्लास में उन सबके डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैंने आपको हाइड्रोजन आयरन के बारे में बता दिया कि यह लिक्विड होता है, मेटल है लेकिन लिक्विड। चलिए, अगले क्लास के लिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।